इस सब के बीच देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियां शुरू करेगा, तमिलनाडु का दौरा सबसे पहले वो करेगा परखने के लिए कि किस तरीके से चुनाव किए जाएं देश में। वैसे दक्षिण भारत की बात चली है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर पहुंचे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग जब 7 जनवरी से देश में दौरा शुरू कर रहा है, तब विपक्ष के गठबंधन में संयोजक को लेकर क्या चल रहा है और कैसे दक्षिण में तमिलनाडु से केरल तक एक अहम मकसद से प्रधानमंत्री अपने दौरे का दूसरा दिन बिताते हैं, ये दो खबरें इस रिपोर्ट में आपको पता चलेंगी। पहले सीधे केरल चलिए, जहाँ त्रिशूर में प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, फिर 2,00,000 महिलाओं के सम्मेलन में पहुँचते हैं। मोदी की गारंटी के साथ ही विकसित भारत के लिए नारी शक्ति को बड़ी गारंटी बताते हैं। आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। त्रिशूर में मोदी का पहुंचना सिर्फ एक साधारण बात नहीं है। त्रिशूर वो सीट है जहां पर बीजेपी को केरल में पहली विजय के बड़े आसार हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में त्रिशूर में बीजेपी का वोट शेयर 11% से बढ़कर 28% हो चुका है। त्रिशूर ही वो जगह है जहां 2014 में जीत के बाद केरल में सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचे थे, जब दक्षिण के बंद दरवाजों को खोलने के लिए नरेंद्र मोदी केरल की सबसे बड़ी चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदने में जुटे हैं। तब विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर संयोजक पद को लेकर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा कुछ और आगे बढ़ पाई है। खबर आई है इंडिया गठबंधन में संयोजक के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है, नीतीश कुमार के नाम पर मुहर भी लग सकती है। दावा है कि उद्धव ठाकरे ने नीतीश और केजरीवाल से बात की है, गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम तय किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए बिहार के है, और हम सबको एक साथ लाने में उनका योगदान बड़ा है। पटना में सबसे पहले सबको बुलाया, हमको एकजुट दिखाया। तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए में भी काम किया है, नीतीश कुमार जी अभी भी काम कर रहे हैं, तो अगर सहमति होती है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नीतीश कुमार जी का लंबा अनुभव है, उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की एनडीए से अलग होने के बाद शुरुआत की थी, उन्होंने ही गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के साथ बैठाने में पटना में सफलता प्राप्त की थी। नीतीश कुमार जी के ही प्रयासों से जो तीसरा मोर्चा है उसकी कल्पना ध्वस्त हुई थी। अगर उनको कन्वीनर बनाया जाता है तो ये संगठन के लिए बहुत लाभकारी हो। जब तक नीतीश के नाम की चर्चा परवान चढ़ रही है, तभी आज तक के पास टीएमसी के सूत्रों से खबर भी आई कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी सहमत नहीं, यानी पेच अभी लड़ ही रहे हैं।